अनुप नीचे हाइट ले लो नहीं हाइट ना ले हाइट ना ले नहीं मैं एमबीएच है तो ए हिला मत अभी हिला मत ना ना बहनों और भाइयों आपको भी अनुभव हुआ ना अमिताभ बच्चन जी माननीय अमिताभ बच्चन जी क्यों महान है हमने सिर्फ एक कुर्सी रखी थी उन्होंने कहा आप बैठेंगे तो ही मैं बैठूंगा नहीं तो मैं भी खड़ा रहूंगा माननीय अमिताभ जी आपका जन्मदिन शायद यहां बैठे हुए लोग सब पत्रकार भी नहीं जानते होंगे एक जन्मदिन 11 अक्टूबर को आता है और 1000 लोगों को नया जीवन देके जाता है ऐसा अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं मेरे मित्र सहयोगी आनंद पंडित ने मुझे कहा किरीट जी आप ये जो काम कर रहे हो ऐका स्वाभिमान आने सीनियर सिटीजन सन्मान त्यांना ऐकण्याचं मशीन देतो त्यांनी सांगितलं यावेळी 11 अक्टूबर को वैसे मशीन 10,000, 20,000, 25,000 की आती है लेकिन हमने लोगों को सिर्फ 500 रुपये में दी और आपके जन्मदिन के निमित्त 1000 मशीन ये स्टार की बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है मल्टीनेशनल 1000 लोगों को आपके जन्मदिन के निमित्त हमने ये हियरिंग एड दिया जिसके कारण इनको नया जीवन मिला और उसमें से हमने 2 मशीन बचाए रखी थी क्योंकि हमारी विनंती थी आप हमारे उपक्रम में आए जिसके कारण ये कार्यक्रम को यह अभियान को और एक ऊंचाई होगी और वो 2 लोगों को हम आपके हाथ से आज मशीन देना चाहते मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जीवन में अनेक ऐसे क्षण आते हैं पल आते हैं जो हमेशा याद रहती है आज की क्षण आज का यह उपक्रम हम सबके जीवन में हमेशा याद रहेगा आज सिर्फ 2 लोगों को मशीन नहीं देने वाले लेकिन हिंदुस्तान में हियरिंग एड के संबंध में रोड ब्लॉक है एक मानसिकता है लोग पहनते नहीं है लोगों को लगता है कोई मुझे कहेगा हा बहिरा है इतना ही था और उसके कारण हिंदुस्तान में इतनी आवश्यकता होने के बावजूद 10,000, 25,000 कुछ भी मशीन के भाव यह हमारी जो अभियान है लड़ाई है 25 साल 50 साल पहले लोग चश्मा नहीं पहनते थे आंगड़ा है ऐसा कहते थे
आज हम ये अमिताभ बच्चन जी के द्वारा ये जो लोगों के मन में रोड ब्लॉक है वो तोड़ना चाहते हैं, और इसके कारण हमारा आग्रह था आज आप उपस्थित रहे। मैं आपके सामने जो हमने और एक अभियान जो छेड़ा था वो भी दो मिनट दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं मेरे सहयोगी आनंद पंडित जिसके कारण ये हो रहा है, 1000 लोगों को नया आत्मविश्वास उनके चेहरे पर, यहाँ पर जो लोग आए हैं मैं एक दो का अनुभव कराऊंगा। जब वो अनुभव कहेंगे कि अभी कोपरात बसुन रहा है तो हमें कुछ सुनने में नहीं आता था, तो लोग विड्रॉल की भूमिका में जाते हैं, इसके कारण उनको जो नया आत्मविश्वास मिला। मैं सबसे पहले जहां पर हम ये उपक्रम कर रहे हैं, मालिक हमारे अमृत भाई पटेल और भूपेश भाई, इन दोनों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया आइए और माननीय अमिताभ जी का स्वागत करिए। मैं माननीय अमिताभ जी से प्रार्थना करूंगा एक सिंबॉलिक, जो आपके जन्मदिन 1000 नया जीवन, नया आत्मविश्वास, नया हास्य, उनके प्रातिनिधिक दो लोगों को मैं मन पर बुलाऊंगा, और जो अलियावर्धन इंस्टीट्यूट है जिनके सीईओ जो डॉक्टर है वो हमें इस उपक्रम में मदद करते हैं, माननीयवर सिन्हा जी, और जो स्टार की कंपनी हमें इस प्रकल्प में मदद कर रहे हैं रोहित मिश्रा जी, और हमारे युवक प्रतिष्ठान के ट्रस्टियों को मैं मंच पर बुलाऊंगा, और दोनों जो पेशेंट आ जाए कृपया, हमीर जी जाडेजा और यशोदा सोनावणे कृपया त्यांना मशीन देऊया। आपल्याला ऐकायला येते का आता? येत ऐकायला मला येत। जिनको हमने पहले मशीन दिया है अनिल नकाते यांना मी विनंती करतो, कृपया एका मिनिटात आपला अनुभव सांगावा। ऑगस्ट 2017 सुरू झाला आणि तो बोर्ड लावला होता की ऐका स्वाभिमानाने, स्वाभिमानाने ऐका म्हणून बोर्ड लावला होता, आणि मी किरीटजींच्या ऑफिसमध्ये गेलो आणि हे यंत्र लावलं। हे यंत्र लावल्यानंतर मला एवढं ऐकू आलं की मी गार्डनमध्ये जायचो, जोक झाले की कोणा ऐकून आलं की बाहेराला ऐकू येत नाही, हे असं सांगायला लागले। टी व्ही मोठ्याने लावला तर घरची मुलं बोंब मारायला लागली की तुम्ही केवढ्या मोठ्याने लावता, शेजाऱ्यांना त्रास होतो,
आपण ऐकायचं फक्त चित्र, तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट बघायची, दरवाजा बंद दरवाजा बंद ते ऐकूया. हे असं हे यंत्र किरीटजीने दिल्यानंतर हे एवढा आनंद मला मिळायला लागला की बस रे बस. किरीटजी तुम्हाला तुमच्या मागे या आमच्या सगळ्याचे आशीर्वाद आहेत. तुमचं नाव आणखी कुठच्या तरी मोठ्या बुकात जाऊ दे आणि सुवर्ण अक्षरात यांच्या बुकात. नाही असं नाही की अलिया वर्जांनी आमचं टेस्ट केलं आणि ते माप दिलं आणि त्याप्रमाणे हे लावलं की असं नाही की घेतलं यंत्र लावलं. मी एका ठिकाणी गेलो. अब मैं आपको एक दूसरा चमत्कार दिखाता हूं जो हमने और एक प्रकल्प लिया था. जो दिव्यांग लोग हैं उनको हम अभी हाथ और पैर जो देते हैं वो ऑर्थोडॉक्स देते हैं. मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक हाथ हमने ये प्रसाद को दिया है. चमत्कार देखो प्रसाद. और दूसरा है सलीम. दोनों जन आ जाए ऊपर. ये प्रसाद का हाथ यहां से कट गया है और देखो अभी गणपति का चित्र निकालता है. Welcome to Big B. और दूसरा यह तलीम. इसकी कमाल देखो आप. कहां से पैर गया है तुम्हारा? यहां से गया है. प्रसाद का हाथ यहां से गया, इलेक्ट्रॉनिक हाथ दिया है वो देखा आपने. अभी सलीम का चमत्कार देखो. योगा करता है, योगा टीचर है. इस प्रकार के 1000 लोगों को, दिव्यांग को हमने नया जीवन दिया है और 10,000 जो सीनियर सिटीजन को आत्मविश्वास देने जा रहे हैं. मैं अमिताभ जी से प्रार्थना करूंगा हमें मार्गदर्शन करें. जी आनंद भाई, यहां उपस्थित सभी देवी और सज्जनों नमस्कार. आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का श्रेय आनंद पंडित जी को जाना चाहिए. हमारे मित्र हैं और एक तरह से हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं. मुझे पता नहीं था कि यह कार्यक्रम किस तरह का होगा, लेकिन आज यहां आकर के स्तब्ध हो गया हूँ जिस तरह का नेक काम किया जा रहा है इस संस्था की ओर. बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और इस संस्था को जिन्होंने ऐसे लोगों की मदद की है जिनके बारे में शायद ही लोग सोचते हैं या जिनकी जो असुविधा है उसके बारे में सोचते हैं. जिन लोगों के पास शरीर का कोई अंग चला जाता है, आम लोगों के पास ईश्वर की दया से पूरा शरीर है, उनके पास अनुमान नहीं लगा सकते हैं आप कि उनको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना पड़ता है. मैं कई जगह पर अपने जो व्यक्तिगत उदाहरण है वो देता रहता हूँ.
बहुत सारे ऐसे मेडिकल कैंपेन्स के लिए मैं काम करता हूँ, चाहे वो पोलियो हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, हेपेटाइटिस बी हो, और हर बार मैंने प्रयत्न किया है कि अपना कोई एक निजी उदाहरण दे सकूँ। बहुत से लोग कहते हैं आप अपनी बीमारी के बारे में क्यों बात करते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में बात करने से ना कोई डर है और ना असुविधा होती है। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं था, जब मैंने टीबी कैंपेन शुरू किया तो मैंने उनसे कहा कि इसके बारे में जो कैंपेन है वो मैं अपने साथ जो हुआ है, जो बीता है, उसका वर्णन करके इस कैंपेन को करूँगा। 2000 में, सन 2000 में जब मैंने कौन बनेगा करोड़पति शुरू की, उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था और वो कुर्सी पर बैठने में तकलीफ होती थी। कुछ इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया। उस डिटेक्शन के बाद उसका इलाज हुआ और आज मैं टीबी से मुक्त हूँ। इसी तरह हेपेटाइटिस बी, 1982 में कुली की शूटिंग करते समय मैं घायल हो गया था एक एक्शन सीक्वेंस में, और उस समय बहुत सारे खून की ज़रूरत पड़ी थी, तो तकरीबन 60 बोतल खून, प्लेटलेट्स वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ी थी, और 200 लोगों ने खून का योगदान दिया था, तब जा करके मेरी जान बचाई गई। एक सज्जन उनमें से, उनके खून में हेपेटाइटिस बी वायरस था जिसे डिटेक्ट नहीं किया गया और वो मेरे शरीर के अंदर चला गया। उस समय ये जो वायरस था, ये हेपेटाइटिस बी ऑस्ट्रेलियन एंटीजन से कहते हैं, बहुत एक नूतन वायरस था, अभी इसकी सारी जानकारी पता नहीं थी लोगों को, इसलिए उसका टेस्ट भी नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे भी पता नहीं चला कि वो वायरस मेरे शरीर के अंदर है। सन 1982 के बाद सन 2005 में एक आम इन्वेस्टिगेशन के दौर पर ये पता चला कि वो वायरस मेरे शरीर के अंदर है और उसने मेरे लिवर को 75% खा लिया है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरा लिवर जो है वो केवल 25% है, 75% वो हेपेटाइटिस बी की वजह से ख़त्म हो गया है। लोग ऐसे कहते हैं कि 12% अगर आपका लिवर हो तो भी आप जीवित रह सकते हैं। कहने का ये मतलब था कि अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ तो सही डिटेक्शन हुआ, उसका सही इलाज हुआ और मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ एक आम आदमी की तरह। आज जब बहुत से लोगों ने बात की कि किस तरह एक शरीर का अंग लोगों का चला जाता है, सुनाई नहीं देता उनका, तो इसके बाद भी मुझे याद आया कि एक दिवाली के दिन त्योहार पर एक अनार जो था वो मेरे हाथ में फट गया और मेरा बाएं हाथ जो था वो पूरा एक मांस का एक रूप बन गया, ना उंगली थी, ना खून थे, ना कुछ था। धीरे धीरे उसका इलाज किया और धीरे धीरे वो सब वापस आ गया। कहने का तात्पर्य यह है, मेरा हाथ चला गया, वापस आ गया, लेकिन जितने महीने ये मेरा बाया हाथ नहीं था मेरे पास, कितना कष्ट होता है जब शरीर का एक अंग उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसका आपको कोई अनुमान नहीं। आप कपड़े नहीं पहन सकते, मैं अपनी कमीज का बटन नहीं बंद कर सकता, पतलून नहीं पहन सकता, मैं बाएं हाथ हूँ तो मैं बाएं हाथ से कुछ कर नहीं सकता, सारा कुछ बदलना पड़ता है और सहयोग लेना पड़ता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो तकलीफें इन लोगों को उठानी पड़ती हैं जब इनका एक शरीर का अंग चला जाता है, उनको पता है कि इन्हें वापस नहीं मिलेगा। ईश्वर की कृपा थी कि मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया, इन्हें नहीं मिला। इसलिए जो योगदान आप कर रहे हैं किरण जी और अनंत भाई, इनको किसी तरह से सहायता देने की, ताकि उनका शरीर दोबारा काम करने लग जाए। और जैसे ही आपने अभी उदाहरण देखा किस तरह से उन्होंने पेंटिंग बनाई, और वो जो सज्जन पुरुष थे वो उतना, उनकी टांग नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता जिस तरह से वो काम करते हैं कि उनका शरीर नहीं है, उनको मैं बधाई देता हूँ, और आप दोनों सज्जन पुरुष को और इस संस्था को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बेटी देख ली। इसी ओर मैं आनंद पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जन्म दिवस के दिन 1000 लोगों की मदद की। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा करने वाले हैं, लेकिन मैं अनेक धन्यवाद देता हूँ आपको आनंद जी, और
आशा करता हूं किरीट जी कि आपकी इस संस्था की ओर से आगे भी यदि कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें हमारी उपस्थिति, हमारे चेहरे, हमारे आवाज, हमारे शरीर से कोई मदद मिल सके तो उसका उपयोग कीजिएगा। कई जगह कहता हूं मैं कि अगर मेरा चेहरा और शरीर गुजरात टूरिज्म बेच सकता है तो ये तो मैं कर ही सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम की शुभकामना की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रेरणा मूर्ति श्री अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने हमेशा लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जैसे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारी संस्था युवक प्रतिष्ठान जो कितने 20 से 25 सालों से कार्यरत है ये सब काम के लिए, उनके सहयोग के लिए आपने इतनी बड़ी बात की। और आप लोगों को बताऊँ कि बच्चन साहब ने अभी अपनी संस्था को और यही काम के लिए 11 लाख रुपए का डोनेशन देने का भी ऐलान किया। आई थिंक हम स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में यहाँ पर जरा खड़े होके सर का इतने इतनी बड़ी व्यक्ति हमको बाकी सब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं पुनः एक बार अमिताभ जी को, आनंद पंडित को, आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो जू छोड़ के, जू छोड़ के, जू छोड़ के, उसको बोलो।